इस तो वेलकम है सभी के नए वीडियो के अंदर। सो गाइस आज बात करने वाले हैं कि अभी 43 अपडेट के बाद फ्री फायर गेम के अंदर क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, कौन सा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल होने वाला है, कौन से नए इवेंट स्टार्ट होने वाले हैं एंड मैप के अंदर क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, सारी गाइड डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो एंड तक देख लेना एंड चैनल पर नहीं मारे तो भाई सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन पे सेट कर देना, फ्री फायर जुड़ी वीडियो आगे भी आपको मिल जाए। तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि भाई OB43 का अपडेट कब आने वाला है, तो क्लियर करना चाहता हूं पहले कि OB43 का अपडेट आने वाला है 24 जनवरी के दिन और सुबह के 9:30 बजे जैसे जाते हो लोग प्ले स्टोर के अंदर तो फ्री फायर गेम को अपडेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और अपडेट जो है 300 से 400 एमबी के बीच में ही रहने वाला है, तो ज्यादा एमबी का अपडेट नहीं है। तो आप लोग सिंपल से 24 जनवरी के दिन सुबह के 9:30 बजे फ्री फायर गेम को अपडेट कर लेना। 24 जनवरी को गेम को अपडेट कर लोगे तो उसके कल यानी 25 जनवरी के दिन जो है गेम के अंदर एक न्यू इवेंट स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है चाओस और इसका जो लीक से आपको फ्री फायर गेम के अंदर अभी देखने को मिल रहा है। अब ये जो दोस्तों इवेंट है इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर एक मेन बंडल दिख रहा है और ये जो बंडल है ये शायद से आप लोग डायमंड से ही निकालने वाले हो क्योंकि ये बंडल भाई फ्री में तो भाई ऐसे मिलने वाला में से नहीं है। एंड उसके अलावा भाई नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के अंदर एक चिल बंडल आने वाला है, तो ये भी मेल का गज बंडल है, तो ये भी गज बंडल जो है काफ़ी बेहतरीन है। अभी तो भाई फीमेल का बंडल चल रहा है गोल्ड रॉयल के अंदर, तो ये बंडल गज मेरे को पर्सनली भाई मेरे को काफ़ी बेहतरीन लगा। आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट कर भी जरूर से बता देना। ये भी बताता चल रहा हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि क्या फ्री फायर इंडिया अपडेट के दिन ही आने वाला है, क्या मतलब कि फ्री फायर इंडिया जिस दिन अपडेट है उसी दिन आएगा, तो बताना चाहता हूं कि अभी तक ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ है कि फ्री फायर इंडिया जो है 24 जनवरी के दिन ही आएगा। तो ये आप लोग भाई दिमाग में नहीं लेकर चलना कि भाई जिस दिन अपडेट है उसी दिन जो है फ्री फायर इंडिया को हम लोग प्ले स्टोर के अंदर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ यदि अगर आगे कुछ ऐसा लीक्स आता है कि 24 जनवरी को ही आएगा तो मैं आगे आपको वीडियो भाई डालकर बता दूंगा, तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई नोटिफिकेशन मेरे को जरूर से ऑन पे सेट कर रखा। गेम के अंदर सबसे बड़ा चेंजेस व्हीकल्स को लेकर हुआ है। पहले क्या होता था कि जो ब्लू वाला व्हीकल यहाँ पर होता था उसके अंदर जो है सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते थे, लेकिन अपडेट के बाद जब है इसके अंदर चार लोग बैठ सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग वीडियो क्लिप में देख सकते हो भाई यहाँ पर दो पीछे की साइड में बैठेगा और दो जो है आगे की साइड में बैठेगा, तो ये भाई व्हीकल के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पर किया गया है, तो ये आपको अपडेट के बाद ही देखने को मिलेगा। एंड उसके अलावा जो है एक स्काइविंग का स्किन आने वाला है, तो ये यदि आप लोग ये वाला स्किन निकाल लेते हो तो भाई क्या होगा कि आप लोग प्लेन से उतरते समय जो है आप अपने टीममेट को भी जो है ना इस स्काइविंग में बैठा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप लोग नजारा भाई देख सकते हो, तो ये भाई यहाँ पर स्काइविंग को आपको निकालना पड़ेगा पहले डायमंड से, तभी जो है आप लोग ये वाला सीन देख सकते हो, नहीं तो नहीं। तो भाई डायमंड से याद है कि आप लोग फ्री में डायमंड भी ले सकते हो, तो यदि आपको फ्री में डायमंड चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिंक कमेंट में है। मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पर डेली रात को 8 बजे फ्री रिडीम कोड भाई देता हूँ, जहाँ से आप लोग फ्री फायर गेम के अंदर कुछ एयर ड्रॉप्स वगैरह जो आते हैं 10-30 वाला उसको आप लोग सिंपल से निकाल सकते हो। उसके अलावा गेम के अंदर एक न्यू करेक्टर्स आने वाला है जिसका नाम है राइडन, और इस वाइज करेक्टर को जो है ना आप लोग बिल्कुल ही फ्री में ले सकते हो, जो गोल्ड कॉइन से होता है उसी से ले सकते हो। अभी भाई गोल्ड कॉइन से आप लोग काफ़ी सारे करेक्टर जो है भाई बिल्कुल ही फ्री में ले सकते हो। अब भाई एक भी करेक्टर भाई यहाँ पर लेने के लिए आपको डायमंड या फिर टॉपअप करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ही गाइस फ्री में मिलेगा करेक्टर। तो भाई करेक्टर्स लेने के लिए सिंपल से आपके पास 10,000 कॉइन होना चाहिए। एंड इस करेक्टर की भाई खास बात क्या है, मतलब एबिलिटी क्या है, चलो मैं आपको वो भी पहले दिखा देता हूं कि भाई खास बात यह है कि जब इसका आप लोग एबिलिटी यूज करते हो तो ये जो है सामने के कई साइड में जो है एक कुछ गोल टाइप का यहाँ पर छोड़ेगा। एंड दोस्तों ये जैसे यहाँ पर छोड़ेगा तो क्या है कि यदि जो है इसके अंदर भाई इनमी आकर फंस जाता है तो इनमी का जो है मूवमेंट स्पीड 80% तक कम कर देगा। जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो इनमी गेज यहाँ पर फंस चुका है, तो उसका मूवमेंट स्पीड जो है 80% तक कम हो चुका है, जिससे आप लोग इनमी को आसानी तरीके से किल कर सकते हो। तो ये जो करेक्टर भाई गेम के अंदर काफ़ी धमाल मचाने वाले। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल पर गाइस न्यू वाले सब्सक्राइब भी कर देना, आगे भी आपको फ्री फायर जो वीडियो इस तरीके भाई मिलते रहेगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।